माई की सबको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठी माई की महिमा तुम सुन लो, हम आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम दिन कर भगवान की अनुपम एक झलक दिखाते हैं, इनकी महिमा बतलाते हैं। छठी माई की पूर्ण कथा सुन लो, सबको बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शिव से पूछी सुनिए हे भगवन, सूर्य रहस्य बतला कर मेरा धन्य करे जीवन। इतना सुनकर शिव शंकर तो हो गए प्रसन्न, बोले शिव जी बतलाता हूँ सुनो लगा कर मन। तब महारानी भास्कर की बतलाते हैं रहस्य, हर प्राणी के प्राण है दिन कर जग गाता है यश। हे देवी तुम और सुनो अब सूर्य देव की गाथा, जो करते इनकी पूजा ये सुनते हैं व्यथा। क्या हुआ आगे देवी वही बात बताते हैं, प्रिया उनके यश कीर्ति को कथा सुनाने लगते हैं शिव माता पार्वती को। आसन लगाकर शिव दानी फिर कथा सुनाते हैं, सूर्य की शक्ति अनुपम है सब बात बताते हैं। एकाग्रचित हो सुनने लगी है कथा पार्वती माता, मन ही मन खुश हो जाती है सुनकर सूर्य की गाथा। बोले शिव जी सूर्य पाठ जो करते हर इतवार, पांच इतवार जो नेम धर्म लेते हैं वो आहार। आगे इनकी अनुपम गाथा हम तुम्हें बताते हैं, कथा सुनाता हूँ सुनो। गणपति की माँ पृथ्वी लोक के सूर्य देव है साक्षात देवा। पीपल नीचे कथा जो सुनते बनते शक्ति माँ, अंधा लंगड़ा कोढ़ी को भी मिलता जीवन दान। उमा देवी पुलकित मन से सूर्य कथा है सुनती, और कथा सुनने की इच्छा प्रभु जी से है करती। सूर्य देव की पूजा से दुख सारा मिटता है, प्राणी को मन इच्छा का वरदान भी मिलता है। इसी तरह से भोले शंकर आगे बताते हैं,
यात्रा पर कोई चले तब सुन ले सूर्य पुराण, निश्चय ही मन वांछित फल दे देते हैं भगवान। जो सुनता है सूर्य कथा जग ऋण मिट जाता है, सूर्य ताप से रोगी भोगी सुख ही पाता है। चंदन आग कपूर से जो नर पूजा करते हैं, उस प्राणी के जीवन में कभी दुख नहीं रहते हैं। सुनती रही लगा कर मैया तन और मन का ध्यान, इतने में ऋषि नारद आए बजाए वीणा तान। उमाकांत को नारद आकर शीश झुकाते हैं, शंकर के पास सुनने को आतुर है कथा बैठे लगाए आ। सूर्य पुराण की गाथा फिर शिव उनको सुनाते हैं, नारद को बारी बारी सब बात बताते हैं। हे नारद तुम और सुनो क्या सूर्य की शक्ति है, ताप से ग्रह नक्षत्र पृथ्वी उनके चमकती है। नारद बोले भगवन पहले कथा को कौन सुना, कल्याण हुआ उसका कैसे तप उसने कैसे किया। नारद को शिवदानी फिर एक और कथा सुनाते हैं, रानी थी है द्वापर की कहानी। राजा भृगु की ये कहानी बरसों है पुरानी। रानी चंपा का विवाह भृगुराज के संग हुआ, पर बहुत समय तक उनके घर कोई बालक नहीं हुआ। इस कारण चंपा रानी तप बहुत कठोर किया, अपने तप से भगवान को उसने प्रसन्न किया। सूर्य देव ने पूछा देवी तुम क्या चाहती हो, रानी बोली देव मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। इस तरह से भोले दानी आगे कथा सुनाते हैं, पुत्र तुम्हें होगा कार्तिक या तो चैत्र शुक्ल में छठ करना होगा। चौथी को नहा कर खाना, पंचमी को खरना, षष्ठी प्रथम अर्घ तू देना, ऐसे ही छठ करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म कर लेना, सातमी को तुम अर्घ दूसरा फिर मुझको देना। इस
तरह से शुद्ध हृदय से तुम मुझको अपनाना, उगते सूर्य का दर्शन करके फिर पारण करना। इस तरह से चंपा रानी को उपदेश जाते हैं। दिन बीतने पर आया कार्तिक का सुंदर माँ, शुक्ल पक्ष आते ही चंपा करती है उपवास। रानी बोली, हे राजा सामान जुटाए आ, नारियल केला नींबू जल्दी जाकर लाए आज। मैं तब तक पकवान पका प्रसाद बनाती हूँ, बांस की एक छोटी सी सुपली भी बनवाती हूँ। पहले रानी नहा खा के खरना को है किया, प्यार प्रेम से शुद्ध हृदय से व्रत को उसने लिया। इस तरह से राजा रानी दोनों व्रत को करते हैं। से ही छठ करने लगे सब भक्त गण प्यारे, छठी माई की पूजा करके अपरम सुख पाए। महाभारत से पहले द्रौपदी ने छठ किया, उसने भी तो सूर्य देव को मन से अर्घ दिया। अज्ञातवास के समय फिर सूरज को याद किया, क्या बताऊं कैसे सुनाऊं कैसी छठ महिमा। छठ माई की महिमा से जीवन धन्य हो जाता, अंत समय में वो प्राणी है वैकुंठ को पाता। इस तरह से राजा रानी को पुत्र हो जाते हैं। सतयुग की मैं कथा सुनाऊं सुन लो तुम भाई, प्रहलाद के मन में तप करने की इच्छा है पाई। बचपन से ही जपता था वो श्री हरि का नाम, जिससे बनता है भक्तों के सारे बिगड़े काम। प्रहलाद की माँ कमधुनित करती सूर्य प्रणाम, कहती थी भगवान सूर्य से रखना मेरा मान। कुछ दिन बाद कमाधु देवी गर्भवती हो जाती, राक्षस पत्नी जान इंद्र आकाश को ले है जाते। सुनो सुनो हे भक्त जनों तुम्हें और बताते हैं।
देव ने सोचा इसका गर्भ में नष्ट करूंगा, फिर इंद्रासन पर बैठ आराम से राज करूंगा। करती थी कमाधु पूजा भगवन दिनकर की, विष्णु ही सूरज सूर्य ही विष्णु देवों की। सूर्य प्रेरणा से वहां पर नारद प्रकट हुए, यह क्या करते इंद्र देव क्या पागल आप हुए। इसके गर्भ से जन्म लेगा विष्णु भक्त महा, मृत्यु लोक में उसका होगा भक्त प्रहलाद ही नाम। इस तरह से भगवान भक्तों की जान बचाते हैं। पूरा होने पर जन्मा बाल महा, जन्म ही लेते बालक बोला श्री हरि का नाम। बालक जन्म ही होते कुटिया में छाई खुशहाली, गाजे बाजे बजने लगी थी चहू और हरियाली। नारद जी ने प्रहलाद को दिए सुंदर उपदेश, सूर्य अर्घ तुम नित दिन देना मिट जाएगा कलेश। माता ने भी सूर्य पुराण की सुंदर कथा सुनाई, सूर्य ही विष्णु रूप में बेटा सम्मुख दे दिखाई। इस तरह से विष्णु सूर्य रूप सबको दिखाते हैं। नहीं बहुत कहानी है, छठ माई की महिमा तो जानी पहचानी है। जो करता सूर्य उपासना जीवन सफल हुआ, दुनिया के सारे दुखों से मुक्ति उसे मिला। निर्मल मन से जो भी सूर्य को करता नित्य प्रणाम, उसका सारा काम बनाए दिन कर देव महा। तुम छठी माई की महिमा सुनकर जीवन सफल बना लो, अपने सारे मनोरथों को पूरा आज करा लो। आओ मिलकर सब सुनते हैं और सुनाते हैं। सत घोड़ों पर चढ़कर दिन कर दौड़े दौड़े आए, भक्ति भाव से जब भी कोई भगवान को बुलाए। चंपा रानी की गोद भरी प्रहलाद की जान बचाई, छठी माई की महिमा सबने गाकर है सुनाई। तेज से सूरज की रहती है हरी भरी घाटी, मैया अपने भक्तों की पापों को है हरती।
सूर्य मंत्र का जाप करके अर्घ जो भी देता वह जल्दी ही भगवान से मनवांछित फल पाता। कथा सुना कर सब लोगों को आज बताते हैं, खुशियां पाओगे तुम भी कर लो इनकी पूजा। रोगी योगी भोगी का होता है कल्याण सदा, रंक से राजा बन जाता दुखियों का दुख मिटता। सच्चे मन से पूजन कर लो खुश होंगे भगवान, सूर्य देव खुश होते हैं काया करते कंचन। आओ इनका ध्यान लगाएं शत शत करें नमन, इनकी पूजा में समर्पित कर दें तन मन धन। आगे इनकी सुंदर महिमा को तुम्हें बताते हैं, शुक्ल पक्ष में पूजा होती है। षष्ठी व्रत करने वालों की आंखें ना रोती है। चौथी को नहा कर खाते हैं खरना, पंचमी को सूर्य देव पूरा करते भक्तों की कमी को। षष्ठी प्रथम को अर्घ देते डूबते सूरज को, मोह माया के बंधन से तुम दूर करो निज को। शुद्ध भाव से सूर्य देव की जो करते भक्ति, जीवन मरण के बंधन से उसको मिलती मुक्ति। आगे इनकी सुंदर महिमा को तुम्हें बताते हैं, को देकर कुछ तो अपने घर आ जाते हैं, कुछ तो जाग के घाटों पर ही रात बिताते हैं। सुंदर भजनों को गा गा कर सुमिरन करते हैं, हर दिल के प्यारे षष्ठी व्रती हो जाते हैं। नहर नदी पोखर तालाब के तट पर तुम जाना, हाथ जोड़ कर सूर्य देव की पूजा तुम करना। सूर्य देव है सृष्टि करता खुशियों के दाता, जो इनका व्रत करता वो धन दौलत है पाता। आगे इनकी सुंदर महिमा को तुम्हें बताते हैं, जय जय सूर्य भगवान, सती माई
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब स्वच्छ है हो जाते, फिर तो निर्मल जल में जाकर ध्यान को लगाते। चौकी पे सजा कर रखा रहता है प्रसाद सारा, कंद मूल फल फूल देखने में लगता प्यारा। नींबू केला सेब संतरा ईख और नारंगी, इन सब को अर्पित करने पर होती मांगे पूरी। घी के दीपक जब जलते हैं लगते हैं मनोहारी, सूर्य देव की पूजा करते जग में सब नर नारी। आगे इनकी सुंदर महिमा को तुम्हें बताते हैं, हो करके बच्चे तो किलकारी भरते हैं, एक दूजे से जब मिलते हैं प्यारे लगते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में सज रहते हैं नरना, मैं क्या बोलूं अपने मुख से वहां का सुंदर प्यार। ढोल नगाड़े बजते हैं और बजती है शहनाई, प्यार भरा माहौल है दिखता स्वर्ग है लगता भाई। सबका ध्यान प्रभु पर रहता क्या कहूँ मैं भाई, देख मनोहर दृश्य वहाँ का आंखें इतराई। पंडित ब्राह्मण घूम घूम कर मंत्र सुनाते हैं, जपते हैं सूर्य मंत्र सारे। विनती छठी माई से करते भक्त सभी प्यारे, पोपटने का रहता है भाई सबको इंतजार। भगवान सूर्य के दर्शन को करते रहते हैं गुहार, उछल उछल कर करते रहते बच्चे वहां पेशो। जय 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 छठ मैया तेरी धुन बजते चमकोर। क्रंदन करता कोई कहता तुतली भाषा बो, षष्ठी व्रत का दो प्रसाद माँ यह तो है अनमोल। बच्चे बूढ़े नर नारी भी महिमा गाते हैं, जो भजता कभी नहीं हारा। ब्राह्मण के मंत्रों से लगता घाट बड़ा प्यारा, एक तरफ बालक है रोते मांगते हैं पैसा। माँ कहती है मत रो बेटा धरो तू मन में आंसू, बच्चे जब ना समझी करते माँ होती है उदास। चुप रह बेटा अर्घ में देकर दे दूंगी प्रसाद,
थोड़ा सब्र करो मेरे बेटे, माँ तब समझाई अपने बच्चे को छठ माँ की महिमा बतलाई। श्रद्धा पूर्वक तो माँ का ध्यान सभी लगाते हैं, छाई खुशियाली। सूरज के किरणों से गगन में छाई है लाली। कोई दूध से अर्घ है देता, कोई गंगा जल से सजी है रहती सुपली सबकी मीठे मीठे फल से। जल में खड़े हो निर्मल मन से सब देते हैं अर्घ, तुम भी सुन लो ऐसे होता सूर्य देव का पर्व। फिर माँ बहने छठी माई को करती है प्रणाम, सबके हृदय से है निकलता छठ माई का नाम। खुश हो बच्चे इधर उधर फिर दौड़ लगाते हैं, अपने मन की फिर व्यथा सुनाती है। सूर्य देव का साक्षात दर्शन वो पाती है। अपने इस भक्तिन पर तुम कल्याण करो देवा, सबकी इच्छा पूर्ण करो दो भक्ति का मेवा। जय 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 हो छठी माई, सब करते हैं जय का, शीश झुका कर शुद्ध हृदय से करते नमस्कार। छठी माई की प्यारी छवि जो दिल में बसाते हैं, कष्ट मिटे उसके तन का जो नेह लगाते हैं। आगे उनकी सुंदर महिमा तुम्हें बताते हैं, सकर कंद केला। नदी किनारे खष्टी व्रत के दिन लगता मेला। अपने संगी साथी को फिर तुम घाट पे ले जाना, बांझिन भी तो पुत्र को पाती तुम ये बतलाना। कोई मिठाई ठेकुआ कोई खाता है पकवान, हाथ जोड़ के सूर्य देव का करते हैं सम्मान। जो करते सूरज की पूजा धन्य हो जाते हैं, मृत्यु लोक से मुक्ति मिलती सब सुख पाते हैं। आगे इनकी सुंदर महिमा को तुम्हें बताते हैं, जय जय सूर्य भगवान।
कृपा से हो जाता सब भक्तों का उद्धार। छठ माई का जो मन से रखते हैं व्रत त्योहार, सूर्य देव को देकर अर्घ कष्ट मिटे सारे, दिन कर आते दुख हरने जो मन से पुकारे। घाट का होता दृश्य मनोरम है लगता सुहाना, आकर तुम भी घाट पे सब दुख से मुक्ति पाना। हाथ में थाल और फूल लिए सूरज को बुलाते, आकर भगवान भक्तों के मुश्किल को मिटाते। आगे दिन कर भगवान की सबको कथा सुनाते हैं, किनारे लगी अजब की भी, कोई चढ़ाए कंद मूल कोई लाए अंजी। धूप दीप नैवेद्य आरती, कहीं है पुष्प की माला, पग पग पे पंडित ज्ञानी जपते प्रभु नाम की माला। किसी के मन की आस जगे और मिले किसी को शक्ति, निर्मल मन से जो करता है आदित्य मल की भक्ति। पौ फटते ही हो जाता है चहुमुर जय घोष, सबको मिलता मन वांछित फल और मिलता संतोष। आगे दिन कर भगवान की हम कथा सुनाते हैं, देती धन बांझन को है पुत्र भी देती, निर्मल करती मन। साष्टांग आता जो जल में करने सूर्य नमन, मनसा पूरी उसकी करते ऐसे है भगवान। सजी है रहती सबकी सुपली दिया और बाती से, पान सुपारी फूल नारियल दीप सजे हाथी से। हाथ उठाकर अर्घ देते सभी भक्त नर नारी, पावन छठ के पर्व को करते राजा और दरबारी। आगे दिन कर भगवान की सबको कथा सुनाते हैं, जो भी करता मन से एक भी बार, उसका सदा भला होता हो बेड़ा उसका पार। अपनी अपनी काम न लेकर आते नदी के तीर, भाग्य लेता करवट उनका खुलती है तकदीर। जो मांगा उसने ही पाया यही प्रभु की माया, किसी की झोली भरते हैं तो मिले किसी को काया।
तुम भी आओ नियम से छठ का पावन पर्व मनाओ, अपनी इच्छा पूरी कर लो झोली में वर पाओ। आओ मिलकर हम सब भक्तों छठ पर्व मनाते हैं।